यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फरीदाबाद के बीएसएनएल विभाग से रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर सीबीआई ने छापेमारी कर बीएसएनएल के महाप्रबंधक एके गुप्ता और जीटीओ रविशंकर और इसके अलावा एजीएम कमल मवानी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों पर बीएसएनएल के ठेकेदार से 2 करोड़ के ठेके की एवज में 14 लाख रुपये मांगते हुए जो है ये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और ये आरोप इन पर लगा था पहले ही। दरअसल ठेकेदार का ये आरोप है कि पहले 6 लाख रुपए के बिल के पेमेंट के लिए आरोपियों ने उससे 7% के हिसाब से रिश्वत की मांग की और वो 40,000 रुपये लेकर सीबीआई की टीम के साथ वहां पर पहुंचा। तो बीएसएनएल के जो जीएम हैं उनको इसकी खबर मिल गई और उसने अपने जीटीएम से पैसे खिड़की के बाहर फेंकने को कहा, लेकिन तब तक सीबीआई को इसकी भनक तक लग गई थी और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।